गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष आर्य, आई एम लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़। आप सभी का E 207 पावर सिस्टम फर्स्ट के टॉपिक सोलर एनर्जी की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। हमने आज से पहले जो वीडियो लेक्चर दो वीडियो लेक्चर इस टॉपिक पर बना चुके हैं, वो उस टॉपिक उन वीडियो लेक्चर सीरीज वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, सोलर पावर की यूनिट, सोलर एनर्जी की यूनिट, हिस्टोरिकल रिव्यू एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल पावर प्लांट। तो आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल पावर प्लांट। ये क्या होता है, कि कैसे काम करता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल पावर प्लांट इज यूज सोलर एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल पावर प्लांट सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है उसको हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। द सोलर सेंट्रल रिसीवर यूजेज ए लार्ज फील्ड ऑफ मल्टीपल ट्रैकिंग रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मल्टीपल ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्टिव मिरर, इनको हेलियोस्टेट्स बोलते हैं। ये जो सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल पावर प्लांट है, ये मल्टीपल ट्रैकिंग जो सन की रेज को ट्रैक कर सकता है मल्टीपल डायरेक्शन में, मल्टीपल ट्रैकिंग रिफ्लेक्टिव मिरर्स का यूज़ किया जाता है। उसका लार्ज फील्ड मिरर के लार्ज फील्ड में लगे होते हैं, और उन मिरर को हेलियोस्टेट्स कहा जाता है। कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। इट रीडायरेक्ट द इंसिडेंट सन एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेट इट ऑन ए सेंट्रल रिसीवर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ ए सेंट्रली लोकेटेड टावर। यह है सन की एनर्जी को रीडायरेक्ट करता है, और रीडायरेक्ट करके एक टावर के ऊपर टॉप पर जो सेंट्रल रिसीवर होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करवाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग हेलियोस्टेट लगे हुए हैं, और ये हेलियोस्टेट्स भी अलग अलग एंगल पे है। ये एंगल कैसे डिसाइड होता है, ये सन की रेज को ट्रैक करते हैं, और इस प्रकार ट्रैक करते हैं कि सन की रेज या इनके ऊपर गिरने के बाद सीधा सेंट्रल रिसीवर के इस टॉप पॉइंट के ऊपर फोकस कर सके। हेलियोस्टेट्स कवर ए लार्ज फील्ड एंड दे आर इंडिविजुअली गाइडेड। हेलियोस्टेट लार्ज फील्ड को कवर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ रिसीवर रखा हुआ है, रिसीवर के चारों तरफ जो लार्ज फील्ड है उसमें हेलियोस्टेट्स रखे होते हैं, एंड दे आर इंडिविजुअली गाइडेड, और ये सभी हेलियोस्टेट अपने आप में इंडिविजुअली गाइडेड होते हैं। सो ईच फोकस द रिसीव एनर्जी ऑफ सन ऑन ए स्मॉल सेंट्रल रिसीवर एट ऑल hours ऑफ सनलाइट, जिससे कि ये हर प्रत्येक हेलियोस्टेट सन की एनर्जी को सेंट्रल रिसीवर पर फोकस करवा सके। द वर्किंग फ्लूड वाटर विच इज पम्प्ड अप द वाटर टावर इन टू द रिसीवर। जो यहाँ पर वर्किंग फ्लूड है वाटर को, इसको हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर पम्प करते हैं टावर के टॉप पॉइंट पर। इन द रिसीवर टिपिकली 80 to 95% ऑफ द रिफ्लेक्टेड कॉन्सेंट्रेट सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय ए सर्कुलेटिंग फ्लूड। इस रिसीवर में जो रिफ्लेक्टेड कॉन्सेंट्रेट सोलर एनर्जी है, जो हेलियोस्टेट सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करके वहाँ कॉन्सेंट्रेट कराते हैं, उसका 80 to 95% सर्कुलेटिंग फ्लूड जो वाटर है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। द हीटेड फ्लूड और स्टीम रिटर्न डाउन द टावर एंड यूज टू ड्राइव ए टर्बो जनरेटर और इन ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिक्वायरिंग हीट। यहाँ पर जो वाटर यहाँ पर हमने पंप किया था, वो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हुई रिफ्लेक्शन के बाद, उसका 80 to 95% वाटर उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से वो वापस से यहाँ स्टीम ड्रम में आ जाता है। द एक्सेस आउटपुट, और ये यहाँ पर जो स्टीम ड्रम में आने के बाद ये आगे यहाँ पर स्टीम टर्बाइन में यूज़ की जाती है, जिसे टर्बाइन रोटेट होती है और वर्क आउटपुट मिलता है, उसको जनरेटर की सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
The excess output during periods of greatest solar incidence is bypassed to a thermal storage system. जब ऐसा कोई टाइम पीरियड होगा जिस वक्त ग्रेटेस्ट सोलर इंसिडेंस आपकी को मिलेगी, तो उस समय जो आपका एक्सेस आउटपुट मिलेगा सोलर एनर्जी की फॉर्म में, जो आउटपुट एक्सेस मिलेगा, उसको हम थर्मल स्टोरेज सिस्टम में बाईपास करवा देते हैं। उससे क्या होता है कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द लो और नो सोलर इंसिडेंस, कुछ ऐसा पीरियड भी होगा जब सोलर इंसिडेंस नहीं गिरेगी या कम गिरेगी, उस समय हम फीड वाटर को उस थर्मल स्टोरेज सिस्टम से पास करवाते हैं, जिससे कि उसको वो वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होने के बाद उसको उस स्टीम को हम टर्बाइन में भेज कर टर्बाइन को रोटेट करवा सकते हैं। अब ये हेलिस्टेट्स एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। मेजर कंपोनेंट किसी भी सोलर सेंट्रल रिसीवर पावर सिस्टम का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो हेलिस्टेट, उसकी फील्ड, हेलिस्टेट्स को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, टावर, रिसीवर, वर्किंग फ्लूड, थर्मल स्टोरेज सिस्टम और जनरेटिंग सिस्टम होता है, जनरेटर सिस्टम होता है। हेलिस्टेट आर स्टेरेबल रिफ्लेक्टिंग मिरर्स विच मेड टू ट्रैक द सन बाई बींग एट सच एन एंगल टू दीज रेज दैट रिफ्लेक्ट दैम टू द स्टेशनरी रिसीवर। हेलिस्टेट्स स्टेरेबल रिफ्लेक्टिंग मिरर होते हैं। स्टेरेबल रिफ्लेक्टिंग मतलब ये अपना यदि सन की एनर्जी को ट्रैक कर सकते हैं और इस एंगल पर ट्रैक कर सकते हैं कि वो सन की जो रेज हैं वो स्टेशनरी रिसीवर पर फोकस हो सके। एंगल डिपेंड्स अपॉन बोथ द टाइम ऑफ डे एंड पोजिशन ऑफ इंडिविजुअली हेलिस्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। जो एंगल होता है जिस एंगल पे ये ट्रैक करते हैं वो एंगल दिन के समय पे भी डिपेंड करता है, साथ में प्रत्येक हेलियोस्टेट की रिसीवर के साथ क्या पोजीशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ए हेलियोस्टेट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए रिफ्लेक्टिव मिरर, मिरर सपोर्ट स्ट्रक्चर, पेडेस्टल, फाउंडेशन एंड ड्राइव मैकेनिज्म। हेलियोस्टेट्स रिफ्लेक्टिव मिरर कब रिफ्लेक्ट, हेलिस्टेट्स में रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, मिरर को सपोर्ट करने की स्ट्रक्चर होती है, फाउंडेशन होता है और ड्राइव मैकेनिज्म होता है। आइडियली जो आपकी जो हेलिस्टेट्स की सरफेस है वो पैराबोलिक होती है, कुछ इस प्रकार पैराबोलिक होती है विथ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिसीवर। यहाँ पर रिसीवर रखा हुआ और इस पैराबोलिक की जो आइडियली फोकल लेंथ होगी वो इस रिसीवर से इस पैराबोलिक के बीच की डिस्टेंस होगी, जिससे कि सन रेडिएशन इसके इस रिसीवर के ऊपर इजीली फोकस हो सके। अब सोलर सेंट्रल रिसीवर क्या होता है। सेंट्रल रिसीवर आर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सेंट्रल रिसीवर है और ये टावर है, इस टावर के टॉप पॉइंट के ऊपर सेंट्रल रिसीवर रखा होता है। एंड इट इज़ लोकेटेड टू ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम द हेलियोस्टेट कैन बी इंटरसेप्टेड मोस्ट एफिशेंटली। और ये टावर के टॉप पॉइंट पे रखा होता है जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो हेलिस्टेट से एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है उसको एफिशिएंटली इंटरसेप्ट कर सके। इन रिसीवर द कंसंट्रेट सोलर एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग फ्लूड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसीवर के अंदर जो भी कंसंट्रेट सोलर एनर्जी है उसको सर्कुलेटिंग फ्लूड के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर सर्कुलेटिंग फ्लूड है, नॉट फील्ड है, फील्ड नहीं है, फ्लूड है। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन द हेलियोस्टेट्स आर इन सन ट्रैकिंग मोड। नॉर्मल कंडीशन के अंदर हेलियोस्टेट्स सन को ट्रैक करते हैं, जिससे कि हर हेलियोस्टेट अपने आप को एडजस्ट कर सके ताकि सन की जो एनर्जी आई है उसको रिफ्लेक्ट करवा सके सोलर सेंट्रल रिसीवर के ऊपर। डिफरेंट हेलियोस्टेट्स हैव स्लाइटली डिफरेंट एम पॉइंट्स। डिफरेंट हेलियोस्टेट्स के अपने डिफरेंट एम पॉइंट्स होते हैं, जिससे कि सारी की सारी एनर्जी फ्लक्स है जो सोलर एनर्जी रेडिएशन है वो रिसीवर पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो सके। कुछ थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट एम पॉइंट होता है ताकि कि सोलर सेंट्रल रिसीवर की पूरी सरफेस के ऊपर सोलर एनर्जी को स्प्रेड करा सकें। एज हेलियोस्टेट्स कवर ए वाइड फील्ड, हेलियोस्टेट्स वाइड फील्ड को मतलब लार्ज एरिया ऑफ फील्ड को कवर करते हैं। एंड दे आर इंडिविजुअली गाइडेड, और वो इंडिविजुअली गाइडेड होते हैं, प्रत्येक अपने आप में कंट्रोल होता है ताकि ईच फोकस डेट रिसीव एनर्जी
ऑफ द सन ऑन स्मॉल सेंट्रल रिसीवर, जिससे कि प्रत्येक हेलियोस्टेट जो एनर्जी को रिसीव कर रहा है उसको स्मॉल सेंट्रल रिसीवर पर फोकस करवा सके एट ऑल हावर्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट के सभी घंटों के दौरान। तो आज हमने जो टॉपिक देखा वो सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल पावर प्लांट है, उसमें हेलियोस्टेट्स के बारे में पढ़ा और सोलर सेंट्रल रिसीवर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद।